तो कैसे बिना उतारे हम कैसे उसको इंप्रोवाइज स्ट्रक्चर बनाएंगे? यहाँ पे बैम्बो होना चाहिए, कोई भी ऐसा लोहे की रॉड होनी चाहिए जो हल्की हो, ठीक है? बांस हमें आ रही नहीं आ रही है? जरूरी नहीं है कि वो बांस के डंडे और लोहे के डंडे भी चल जाएंगे, ठीक है? आप देखो देखो उन्होंने क्या बैम्बो पकड़ लिए। अब एक आप दोनों जाए, हाँ बस दोनों आ रहे हो सामने, दो सामने कैसे कर रहे हैं? हाँ इस तरह से, हाँ होता अपने आप उठाएंगे। आपने क्या करना है, ऐसे उठाना है अपने आप ही और फिर यहाँ उठा रहे हैं इसके अंदर डाल रहे हैं। अरे बिना बोले देंगे ना तभी तो कर पाएंगे। चलो देखो कैसे करना है, आपने अपनी सब तुरंत उतारे हैं। हाँ ये अब ये है सर, ये सब खुलेंगे, ठीक है इस तरह से, और इसको पीछे ले जाएंगे ये, और बेटा हाँ सीधे रखो, हाँ इसको पीछे कर देना क्लोज है पहली वाली थी। आप अगर ऐसे रास्ते ऐसे भी और अगर नॉर्मली भी उसको क्या है मुंडे में डाल सकते हो, कुल मिला के हमें इसको कुल मिला के आपको बैम्बो में क्या है हमें अपना अपर डालना है, ठीक है? बात समझ आ रही नहीं आ रही है? हमारा उद्देश्य है इसमें अपना अपर डालना चाहिए। ठीक है इस तरह से, इसमें तो इस तरह से क्या है हमारे अपर आ गए, ये टी शर्ट भी उसकी है हमारी मजबूत है, ठीक है? लेट जाओ टोपी जरा तू लेट जाओ। छोटा बंदा इसकी हाइट कम है तो तुझसे वो डाल उसको मैं डाल पीछे पीछे बस चलो तो डंडे को किसारो, डंडे को इस तरह से सर को नीचे करो, सर नीचे करो इस तरह से, ठीक है? इस तरह से भी आते हैं आप, मतलब इम्प्रोवाइजेशन मतलब यह है कि आपको कुछ भी मिले ऐसा कि आपको एक स्थान से लिफ्टिंग है मूविंग करनी है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है विक्टिम को, किस तरह से ले जाते हैं तो उस समय इम्प्रोवाइजेशन काम में आएगा।